हरियाणा विधानसभा चुनाव का चुनावी दंगल शुरू होने वाला है और दंगल में उतरने के लिए नेता तैयारियों में जुटे हुए हैं। हर पार्टी अभी से ही रंग में नजर आ रही है। जेजेपी और बीएसपी गठबंधन भी पूरे दम के साथ तैयारी कर रहा है। इसी कड़ी में गठबंधन का यमुनानगर में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें कार्यकर्ताओं को जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने जीत का मंत्र दिया। इस मौके पर दुष्यंत ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हुड्डा मौका चूक गए हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो उनको कोई मुख्यमंत्री बना रहा है नहीं बना रहा इसका फैसला वो कर ले, और उस रैली के बाद एक कहावत है हरियाणवी में, मौका चुके डूमणी गावे अचड़ बचड़। तो ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि वो मौका चूक चुके, ना उनको कांग्रेस चौधर दे रही, ना उनका एक जो सपना था कि अलग से मैं दल बनाकर राजनीति करूं, ना आज उसके अंदर उनका कोई सहयोगी उनका साथ दे रहा। और हरियाणा की जनता भी पिछले चार सालों में ये समझ चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का हरियाणा की राजनीति का अस्तित्व जो है उसको कांग्रेस पार्टी ने समाप्त कर दिया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 75 पार नहीं, बीजेपी हरियाणा से बाहर जाएगी। इसका मतलब बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन को एक चैलेंज के तौर पर बीजेपी अपने आगे मानने तो लगी। वो पहले जो हमारी चर्चा नहीं किया करते थे, अगर वो हमारी जमानत तक की चिंता करने लग गए, इसका मतलब वो 75 पार नहीं, आज उन्हें हरियाणा से बाहर का रास्ता दिख रहा है। और कमेरा वर्क बहन कुमारी मायावती जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का साथ देकर बसपा जजपा के इस गठबंधन को ताकत देगा और 75 पार की बजाय भाजपा को प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। विधानसभा चुनाव के लिए दुष्यंत चौटाला ने कमर कस रखी है और वो अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि उनकी ये मेहनत कितना रंग लाती है। R9 TV के लिए यमुनानगर से रणसिंह चौहान की रिपोर्ट।